एक बज चुका है और मेरा अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, तो ये मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ये दोनों मैंने एक साथ चढ़ा दिए क्योंकि फिर ठंडे खाने पड़ते हैं, कोई और बनाने के लिए नहीं है, तो ये मेरे दोनों एक साथ ही पक जाएंगे। तो मैं सुबह मैंने पी थी बिना नहाए पानी और उसके बाद चाय, और उसके बाद अब मैं 1 बजे करूंगी ब्रेकफास्ट। देखिए जैसे कि 1 बज गया, अभी मैंने नाश्ता नहीं करा, मैं नाश्ता करूंगी। इतनी देर में आ जाएंगे हिटलर हस्बैंड और उनका हो जाएगा फिर लंच का टाइम, तो मेरा पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। अभी दीक्षा सो रही है, फिर दीक्षा उठेगी, फिर दीक्षा का ब्रेकफास्ट बनेगा, तो मैं मतलब सारा दिन बस यही करती रहती हूँ किचन के अंदर। लगता है हमसे ज्यादा अच्छी तो वो लेडी होंगी जो कि ऑफिस जाती है, एटलीस्ट कम से कम टाइम से नाश्ता और खाना तो खा लेती होंगी। यहाँ सारा दिन घर में काम काम, बस कुछ नहीं होता। देखिए मेरी घड़ी में बजा है 1:15, 1 बजे कर रही हूँ मैं नाश्ता। चटनी के साथ मजा ही अलग है नाश्ते का। तो ये पीसी थी मैंने चटनी और ये मैं साथ में ले रही हूँ। मम्मी ये क्या कर रहे हो? अरे तू तो ऐसे क्या, ये क्या कर रहे हो? तो दिख नहीं, टेप लगी हुई पे टेप लगा रहे हो? अरे भाई तो ये खराब ना हो जाए ना, खुल ना जाए किसी। फ्रेंड्स सिर्फ वीडियो के लिए टेप लगी हुई पे टेप लगा रही है स्वीट बॉम्ब। फ्रेंड्स इससे बोलने का क्या है, अब मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ डेली का, मैं काम करने का, फिर ये चदरों का काम करती हूँ। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मायापुरी के छोले कुलचे खाने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप लोग चलोगे तो बताओ। तो फ्रेंड्स मैं जैसे कि आप लोगों से अपना पूरा का डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, लेकिन काफी पूरा प्रॉपर तो मैं खैर नहीं कर पाऊंगी, जितना भी कर पाऊंगी तो बताना। वैसे तो मेरी जैसी लाइफ होगी हर लेडी की। तो यार आपकी ये वाली कुर्ती मुझे इतनी अच्छी लगती है, ये वहाँ की है पैसिफिक मॉल की, और ये कुर्तियां मुझे बड़ी लगता है कि मेरी लाइफ कुछ ज्यादा जहन्नुम है क्या? और फ्रेंड्स एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वाली कुर्तियां ज्यादा अच्छी लगती है, लक्षिता की ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगती है, ये है मस्टर्ड की। फ्रेंड जो मैं बता रही हूँ कि मेरी जिंदगी और लेडीज के मुकाबले ज्यादा जहन्नुम है, क्योंकि मुझे ये भी करना है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे इतना काम करना है। लड़की मेरी 1 बजे सो के उठी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, दिखाया था, सो रही थी। तो फिर मैं कट करूंगी वो पार्ट। तो फ्रेंड अगर वो पार्ट कट हो जाए तो फ्रेंड आप समझ जाना कि दीक्षा ने कट कर दिया वो। तो फ्रेंड्स मैं रात को लेट एडिटिंग करके सोई थी, सारी फोटो डिजाइन करके सोई हूँ रात को। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 1 बजे में नाश्ता करा, और ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 1 ही बजे नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। एक बात बताओ, आपने ये इतने व्लॉग्स बनाए हैं, सुबह सीटी बजे जा रही थी आप बोले जा रहे थे, सीटी बजे जा रही थी आप बोले जा रहे थे। एक नॉर्मल लेडी ऐसी होती है गृहस्थी दिखा रही है, वो अपनी इधर सीटी बज रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, इधर कर रही है, ये कर रही है, ऊपर से ब्लॉग भी बना रही है। और तो फ्रेंड इट्स व्लॉग, इट्स व्लॉग, वो भी ब्लॉग, ब्लॉग जो भी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स क्या है, देखिए तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच हो जाता है एक साथ ही, अब मैं पूरी फुल लूं, बस शाम को सीधा पीऊंगी चाय और फिर मैं सो जाऊंगी। देखिए मेरी जिंदगी, मैंने 1 बजे खुद नाश्ता करा है, 2:30 बजे मैं दीक्षा के लिए परेशान हुई उसका बना रही हूँ, और साथ में ये आके बैठ गया है पैकिंग के लिए। तो बना रही हूँ या कल के बच्चे में खा रही हूँ, जो भी है दे। तो मैं कहती हूँ कल परसों तरसों जब मर्जी है, मतलब मैं कहती हूँ 5 दिन के हैं, मेरा रेस्ट टाइम कहाँ है? 2:30 बजे इंसान सोता है, लंच का टाइम हो गया, वो रेस्ट करे, इनके उठने के टाइम होते हैं। अब फ्रेंड्स हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें चाची रेस्ट कर रही होगी। हाँ बना बना फ्रेंड्स, आप ये वीडियो दिखा देख लो जरा कि मैं दिन में कब लेटती हूँ। एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आएगा रेस्ट रेस्ट और रेस्ट। और फ्रेंड्स अब ये आ गया, अभी देखिए इसके लिए मैं चढ़ा रही हूँ चाय। तो मेरी जिंदगी आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मैंने आपको अपना दिखाया है, मेरा डेली का रूटीन इतना ज्यादा हैटिक होता है, और ये नहीं इससे ज्यादा मेरे को काम होते हैं। आज तो चलो फिर भी इतना काम नहीं कर रही। अब आज आपने देख लिया हो कि मेरी जिंदगी सच में ही क्या है, मेरी जिंदगी है क्या, बस किचन किचन है, बस चाय रोटी बनाना है मेरी जिंदगी है क्या। आगे का गाना अगर आप लोग चाहते हैं तो राखी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो। फ्रेंड्स अभी मुश्किल है, मुझे लिरिक्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं नहा के जा रही हूँ, मैं आप पूरी छोले कुलचे खाने। देखा फ्रेंड इनके ठाट देखो, यहाँ मुझे देखो कमसिन कमलिया को। मम्मी आपको पता है आप 11 बजे सोने चले जाते हो, मैं 2 बजे सोती हूँ सारी एडिटिंग करके, तो ये फर्क है बस आपके और मेरे में। भाई मैं 2 बजे कोऑर्डिनेट भी करती हूँ फोन पे बेडशीट के लिए, तब भी मैं अपने टाइम पे उठ जाती हूँ, ये फर्क है हम दोनों में। एज का भी तो फर्क मेरी लाडो,
मेरा नोना ये फर्क है हम दोनों में। खैर आपके जितना काम तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, ये चीज तो मैं बोलती हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि अपने लेवल पे मैं भी काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय 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 तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊँ तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पीऊँ तुझे चाय 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 चाय। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लड़की बावली हो चुकी है, बावली हो के मटक रही है चाय 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 चाय। तो फ्रेंड्स ये नकुल जी की चाय बन चुकी है, तो अब ये चल रही है चाय। लो चली मैं नकुल की चाय लेके, लो चली मैं, नकुल है मेंटल जैसा, लोग कर रहे हैं तारीफ, पता नहीं क्यों कर रहे उस मेंटल की तारीफ। नकुल की चाय नकुल की चाय नकुल की चाय लेके चली मैं नकुल की चाय, हो नकुल की चाय। लो चली मैं नकुल की चाय लेके, लो चली मैं। नकुल तू कह रहा था मैं 2 मिनट में अभी चाय पी के नीचे उतरा हूँ, तो फिर मेरे से चाय की फरमाइश क्यों कर रहा है तू, जस्ट टेल मी। चाय तो चाय है फ्रेंड्स, ये देखिए 3 बजे नहाने जा रही है ये, इनकी जिंदगी भाग गई, इनकी जिंदगी देखिए और एक मेरी देखिए, और एक मेरी देखिए। पैकिंग 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 फ्रेंड्स, सुबह से मैं उठी हुई हूँ 6 बजे से और अभी तक मेरे को लेटने का टाइम नहीं मिला है। मेरे ख्याल से बैठी भी मैं तब होंगी जब मैंने नाश्ता करा होगा, मैंने तो यही चीजें मैं भी बोलूंगी अपने ससुराल जाके। मेरी लाडो तुझे मेरी तरह काम नहीं करना पड़ेगा, नोना मैं तेरे को अच्छी सी ससुराल लेके दूंगी। करना पड़ेगा मम्मी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे धक्का दिया तो मैं तुझे धक्का नहीं दूंगी मेरी नोनू। तो फ्रेंड्स ये चली मैं अपनी चाय लेके, चलिए फ्रेंड्स भाग में थोड़ा सा बैठना तो होगा, बैठ के चाय पीऊंगी तो इस बहाने बैठना तो होगा मेरे भाग में, वैसे तो मेरी किस्मत में बैठना है ही नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए नकुल, मैं क्या करूं अपनी जिंदगी का, पूरा दिन निकल गया मैंने लेट के नहीं देखा है। चाची रहने दो, इमली पूरा अनुपमा पता ही नहीं कितने सीरियल। अरे तो नकुल ये भी मैंने काम करते करते देखा है, बैठ के ऐसे देखा फ्री होकर के। और कौन से ब्लॉग से जो नहीं चलते, तो ब्लॉग्स देखती तो मैं तो क्या हो गया, काम करते करते करती हूँ। अभी पता है बाहर कपड़े सुखाने ले गए मेरे, धुल गए कपड़े, मेरे पास इतना टाइम मिला कि मैं कपड़े सुखा सकूं, धूप भी चली गई। तो धूप की गलती है वो। फ्रेंड्स आप मेरा जरा कहीं प्लेस है कि मैं लेट सकूं, जरा घर देखो मेरा, ये देखो ये इतनी सी जगह मैंने अपने लिए कोना बनाया था, इसमें ये फंस के बैठ गया। अब ये देखो ये बताओ कहां लेटूं मैं, कहां लेटूं। और ये देखो ये अंदर अभी 3 बजे सो के उठी थी, अभी फिर दोबारा बैठ गई पसर के पैर दिखा करके। मेरे तो पता है मैंने देखा है तो गोपाल जी कुछ मेरा कल्याण करेंगे तो करेंगे, कुछ तो मेरी गोपाल जी ने मेरी जून सुधार दी। अगर मुझे पता था ना गोपाल जी जून सुधार देंगे तो मैं गोपाल जी पहले ही मेरे पर वो है, गोपाल जी आना नहीं चाहते थे उस टाइम, चाहते थे मैं कष्ट झेलूं तो मैंने झेल लिए। अब गोपाल जी के आने से थोड़ी मेरी जून सुधरी है। फ्रेंड्स ये देखिए आप, जैसा प्रॉमिस हुआ था सबूत देखिए, ये रेस्ट है, ये रहन दो आप, ये रेस्ट है, और, मैं बैठी हूं। और वहां पर आप देखिए सीरियल में भी कितना सीरियल वॉच्ड है, वो अभी दिख रहा था। हाँ। सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे, मतलब आप देखिए मतलब कि पूरा का पूरा सीरियल देखा गया है। लेटी तो नहीं हूं, बैठी हूं, अभी ये पैकिंग देख रही हूं, अभी चाय पी के खत्म कर रही हूं। रहन दो पैकिंग देख रही हो। हाँ देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया। रेस्ट होता अब, लेगी और अभी ना और भी दिखाएंगे हम आपको, चिंता मत करो, धीरे धीरे हर एक चीज बोल खुलेगी। मेरा पूरा रूटीन दिखाओ। फ्रेंड्स देखिए 1.5 घंटे या 2 घंटे हो चुके हैं और लगातार देखिए सीरियल चेंज होते जा रहे हैं। देखो चाय भी हट चुकी है, चाय वगैरह सब पी गई है। हम आपको दिखाए जा रहे हैं और हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए रेस्ट रेस्ट रेस्ट, पिछले 2 या 3 घंटे हो चुके हैं और रेस्ट चल रहा है राखी जी का। देखिए स्माइल देखिए, बिल्कुल रेस्ट ही रेस्ट चले जा रहा है। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे कि रेस्ट कैसे चल रहा है राखी जी का। आज सबूत सबूत मिलेगा सबको। फ्रेंड्स इनके साथ बने रहिएगा, हम आपको आपको सारे दिन के न्यूज देंगे। फिर ये तूने नया टॉप मटक लिया। मम्मी दिस इज द लाइफ, मेरे वो ही नहीं निकले हुए गर्मियों के कपड़े।
तू हर चीज के लिए मेरे पे डिपेंडेंट रहेगी? खुद निकाल ले अपने कपड़े, कुछ संगवा के कुछ कर तो सही। 3 बजे तो सो के उठती है, फिर तेरे को 3 बजे मैं नाश्ता बनाऊं। आज उठी हूँ, वो भी 3 बजे नहीं उठी, 11 बजे उठी हूँ। देखो तुम मत झूठ बोला कर, ये देखे पहले मटक के चल दिए नया टॉप, मटक के मेरा सीरियल दिख रहा है, मैं थोड़ा इधर कर दूं, किसी को पता नहीं मैं कौन कौन सीरियल देखती हूँ। हम बताएंगे फ्रेंड्स कौन कौन से सीरियल देखते हैं। मैं और ये नया सीरियल है, आराम से आराम कर रही है, ये भी बता दूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से हम आ गए हैं दिखाने आपको, ये देखिए तीसरा सीरियल है, ये चार फ्रेंड्स। आजकल मुझे फ्रीडम मिलने लग गई है, पता है? वैसे मैंने एक चीज देखी, अगर आप जो भी बच्चे जिनकी कंप्लेंट रहती है पेरेंट्स से कि वो लोग फ्रीडम नहीं देते, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप मतलब सेटल्ड होने वाली राह पे आ जाते हो, आप सेटल्ड होना शुरू हो जाते हो, तो अपने पेरेंट्स आपको फ्रीडम दे देते हैं। तो ऐसा मैंने अपनी जर्नी में नोटिस की है। और मैंने तो अपनी जर्नी में क्या क्या झेला है, तुझे पता दीक्षा, मेरी शादी हुई ना, मैं बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। बहुत रिश्ते आते थे? रिश्ते तो आते ही थे, वो तो बात का मैटर है, वो तो बहुत रिश्ते आए थे मेरे शादी से पहले, नहीं शादी के बाद की मैं बता रही हूँ। तो जैसे क्या था, यहाँ का थोड़ा माहौल बस मेरे ससुराल का ठीक था जैसा था, तो क्या करते थे जैसे मैं कहीं बाहर निकलती थी ना, तो गाड़ी बिल्कुल गेट पे लगती थी, बिल्कुल गेट पे। सारी स्टोरी इसी वीडियो में सुना दो कि मुझे कोई देख ना ले। तो मतलब क्या है, बिल्कुल गाड़ी दरवाजे सट के लगती थी और मैं सीधा गाड़ी में बैठती थी, शीशे बंद, ऐसे लगी स्ट्रीट में अंदर, ये देखो फिर गाड़ी बिल्कुल वही पार्क होती थी गेट के बाहर, वहीं से अंदर। हाँ, तो मतलब मैं ऐसे रही हूँ बहुत टाइम तक, तो मैंने मेरे ख्याल से अपनी गली की शक्ल नहीं देखी होगी। इससे ये चीज पता चलती है कि जो सुंदर लोग होते हैं तो उनके भी ये मतलब वो साइड इफेक्ट, ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है कि मैं मतलब फ्रीडम नहीं देख पाई, मतलब बंद 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 कि मतलब बस 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 क्या मैं बोलूं। ये एक रियलिटी है, ये फैक्ट है, जोक्स अपार्ट ये एक रियलिटी है कि बहुतों के साथ मैंने ऐसा फेस, मतलब एक रिसेंटली एक मैंने पार्क में भी देखा था, एक लेडी बैठी हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, वो मतलब रो रही थी और उनको यही था भाई उनके पति उसको मारता था, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी तो उसके पति को डर था। तो ये चीज एक फैक्ट है, बट अब ये चीज शायद कम हो गई है, बट ये आगे एक्चुअल में ये फैक्ट थी और शायद अभी काफी गांवों में या काफी जगह ऐसा होता है। अब मेरी बात सुनिए, देखिए 25 साल पहले शादी हुई थी चाची की, ठीक है, 25 साल पहले गेट पे गाड़ी खड़ी हो रही है, रॉयल गाड़ी, रॉयल कुछ ना था, खटारा था, वो तुम्हारा सेंट्रो था, जो भी 25 साल पहले, फ्रेंड्स आप खुद ही सोचिए 25 साल पहले वैल्यू कितनी होती है। आप देखिए तब से रॉयल लाइफ है रागी जी, ऐसी रॉयल लाइफ भैया, ऐसी रॉयल लाइफ, मेरी सोने के पिंजरे में तोता कैद होता ना, वो लाइफ थी मेरी। मैं अपनी लाइफ ना एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कि मैं क्या बताऊं अपनी लाइफ के बारे में जो मैंने फेस करा है। फ्रेंड्स देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तब से मतलब मैं आपको बार बार दिखाए जा रहा हूँ कि आराम आराम आराम, आपको मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं। और आप ये देखो, रेंदो नहीं 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 ये झूठ है, ये कुछ फोटो, ये फोटोज डिलीट कर रही थी और मैंने इनसे कहा फोन दो और फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है। और देखिए अब कुछ और ही चल रहा है नया, ठीक है ना, अब नोकझोंक की वीडियोस चल रही है, आप खुद ही सबूत है, हम हमारी कोई गलती नहीं है, आप खुद ही सबूत है। फ्रेंड्स 4:45 बजे हैं, देखिए मैं अब बनाई है हिटलर हस्बैंड जी के लिए चाय। मुझे यही पता था कि तू यही बोलेगी मैंने बनाई है। हाय राम कितना झूठ बोलते हैं। फ्रेंड्स ये चाय मैंने भूल गई, मैं वीडियो बनानी बना करके इनको देने के लिए। अरे बनाई होती तो वीडियो बनाती। तो चलो मैं अपना कोई बात नहीं रूटीन दिखा रही हूँ, मैंने बनाई है 5 बजे इनके लिए चाय, ठीक है। अभी 4:45 बोले, आप 5 कह रही है। सुनो अब कुछ खाना, झूठ तो यही पकड़ा गया। कुछ खाना बनाना पड़ेगा या कुछ मंगाओगे बाजार से? मेरे लिए रेस्ट डे होगा, क्या मैं होगा? मैं तो घर का ही खाऊंगा, तुम माँ बेटियों को आदत है बाजार का खाने की। घर का तो खाओगे फिर मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या रेस्ट मिला, वो ये तुम्हारे लिए तो बनाना ही पड़ेगा फिर। बनाता मैं हूँ, बिल अपने पे फाड़ती है। देखिए शाम हो चुकी है तो मैं लगा रही हूँ शाम की जोत मंदिर में, और इससे पहले अभी मैंने पी थी चाय। और चलिए अब तुलसी जी की जोत लगाते हैं, जो कि मैं शाम को लगाती हूँ। और इसके साथ ही देखिए ये आ गई है मैडम जी, घूम के जस्ट आई हैं, यहाँ माँ काम में लगी हुई है। और ये देखिए, और माँ ने रेस्ट किया ना आपके पीछे से? हाँ माँ तो बहुत रेस्ट करती है।
एंड जैसे कि अब ये रात हो चुकी है, हो चुका है टाइम 7 बज रहे हैं, तो मुझे बनाना है डिनर। तो ये मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। अभी मैंने ज्योत बत्ती सब आपको दिखाई थी कि मैंने कर ली है, और शाम की चाय का भी काम हो गया है। तो अब मैं बनाऊंगी रात का खाना, और उसके बाद थोड़ी सी हमें पैकिंग करनी है बेडशीट्स वगैरह की, वो सब हम करेंगे, और उसके बाद हम सोएंगे। मैं बना रही हूँ पापड़ की सब्जी। तो पापड़ की सब्जी बहुत ज़्यादा ईजी है और मेरे घर में सबको पसंद है। तो ये देखिए मैंने पापड़ ले लिए हैं मूंग की दाल के, मतलब कि कोई भी पापड़ ले लीजिए, और मैं इसको सेक रही हूँ। एक एक पापड़ में सेक लूंगी, जितने भी मुझे पापड़ की सब्जी बनानी है उतने पापड़ में सेक के रख लूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए गुल्लू जी भी आ चुकी हैं, इसको लेकर के मेरे को किचन में करना पड़ रहा है काम, और इसकी मम्मी कर रही है घर में आराम। तो ये देखिए, मेरा फोन मत छेड़ दे, ये देखिए मैं पापड़ भी सेक रही हूँ साथ में। कहाँ गई मैं? मैं सारे पापड़ सेक लूंगी, ये मैंने एक सेक लिया है, और बिल्कुल सब्जी बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट में बन जाती है। और मेरे घर में तो खैर सभी को पसंद है, जब मेरा ज्यादा कुछ तामझाम करने का मन नहीं होता तो मैं यही सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि पापड़ तो मेरे घर में रहते हैं, क्योंकि मेरे हिटलर हस्बैंड जी को पापड़ बहुत पसंद है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ सब्जी, ये सारे पापड़ मैंने सेक लिए हैं, तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी नमक और काली मिर्च तो पापड़ में होती है। तो चलिए थोड़ा सा ये भून जाए, ये हो गया जीरा मेरा। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर जो कि मैंने पीसे हैं, अब इसके अंदर डाल देते हैं हम थोड़े से मसाले, जैसे कि ये धनिया ले रही हूँ मैं, और ये ले रही हूँ मैं हल्दी, और इसमें मैं मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि काली मिर्च ऑलरेडी डली हुई है इसके अंदर, और मेरे हिटलर हस्बैंड जी रात के टाइम थोड़ी मिर्च उनको अवॉइड करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही ये देखिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक। अच्छे से हम टमाटरों को भून लेंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, और अगर आप इसमें प्याज डालना चाहते हैं तो आप प्याज पीस करके डाल सकते हैं या चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्याज नहीं डालती। मैं ये बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाती हूँ जो कि मेरी 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती है। डाल दिया इसमें मैंने पानी, और अब पानी को अच्छे से उबालेंगे, और जब पानी के अंदर आ जाएंगे खदके तो हम पापड़ों को क्रश करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे, और एक बॉयल लेने पे हो जाएगी हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं सब्जी को बनने के लिए। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है, अब हम पापड़ों को ऐसे हाथ से क्रश करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने सारे पापड़ डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से हम इसके अंदर दबा देंगे। बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो मेरी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। तो इसकी गैस कर देंगे बंद और खाएंगे इसको रोटियों के साथ। हो चुकी है तैयार, बस गैस कर देंगे बंद, तो 2 से 3 मिनट में बन गई है मेरी सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स आप अपने गोपाल जी को थोड़ी सी ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा लेते हैं। तो ये रहे मेरे गोपाल जी। फ्रेंड्स ये देखिए राखी जी अभी भी बैठी हुई हैं वहीं पे, ये हिटलर फादर जी आ चुके हैं, देखिए फिर भी, और टाइम देखिए आप, टाइम थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, 8 बज चुके हैं, और तब से राखी जी देखिए अभी सोकर उठी हैं। हाँ। अभी हमने आपको दिखाया था वो लेटे लेटे सो गई थी। हाँ, और अब उठी है राखी जी। फ्रेंड्स ये देखिए पैकिंग चल रही है, पैकिंग करवा रही हूं, कुछ कोई पैकिंग नहीं चल रही है फ्रेंड्स। अभी राखी जी अभी उठी है, देखो लगी रहेगी उठी है, देखो सबको पता है कि मैं कितना काम, ये थकान है आंखें, थकान की थकान, चलो फ्रेंड्स को पता है क्या हुआ है। बस ठीक है।